आइए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं मसालों के बारे में। आपने देखा होगा घर में तरह तरह के मसाले अपन एवरेस्ट के मंगाते हैं, अपन लेके उसको रख देते, उसमें सीलन लग जाती है और अपन फेंक देते, लेकिन वो गलत है। देखिए हम आपको इसका तरीका बता रही हैं दादी माँ। इन्होंने एक मसाला लिया है, सब्जी का मसाला जिसमें सीलन लग गई थी, उन्होंने इस मसाले को एक प्लेट में लेके उन्होंने छान लिया है। देखिए जो भी कचरा है वो तो छन जाएगा, छनने के बाद देखिए जो हमने आपको मसाला बताया था उन्होंने छान लिया है, अब वो कढ़ाई में डालेंगे। कढ़ाई में ज्यादा देर तक आपको नहीं भूनना है, और आपके पास जितने भी मसाले रखे सबसे पहले आप उसकी डेट देख लीजिए कि डेट कब से कब तक है, उसके बाद ही आप उसको यूज कर सकते हो, वरना आप उसे फेंक दीजिए। देखिए इन्होंने जैसे मसाला कढ़ाई में डाल दिया है जो हमने सब्जी का मसाला है, अब उसको ज्यादा देर तक नहीं भूनना है, बहुत हल्का सा आपको भूनना है। इससे क्या होता है कि गरम करना है। अच्छा गरम करने से क्या होता है, जो कीटाणु होंगे सब मर जाएं। देखिए ये कह रहे हैं कि इसमें जो भी कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं, तो आपका ये मसाला काफी दिन तक चल सकता है। जो इन्होंने सब्जी का मसाला लिया था उसका उन्होंने थोड़ा सा फाड़ दिया, जो जिसमें हमारी सब्जी का मसाला लिखा उन्होंने इसको भी जरा सा सेक लिया। अब देखिए हम आपको बता रहे, देखिए सब्जी मसाला जो इसका है, अब इसको थोड़ा हम ठंडा करके रख देंगे। ऐसे ही हमने सारे मसाले दादी माँ ने किए, जैसे ये हमारा पाव भाजी का था इसको भी उन्होंने अच्छे से सेक लिया, और इसका टैग उन्होंने ऐसे किंग मसाला इनको भी उन्होंने इस तरह सारे डिब्बों को इन्होंने सारे जितने भी इनके पास मसाले सेक लिया। जैसे देखिए हमारा ये चाट मसाला है, इन्होंने सबको टैग इसका रख दिया है और सबको इन्होंने सेक के एक डिब्बे में रख दिया है। देखिए हल्का सा इन्होंने गरम किया जिससे उसमें जो भी कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं। ये देखिए हम आपको एक एक बता रहे हैं।